हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ प्रीति। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिवाली मेकअप लुक। ये मेरा फर्स्ट मेकअप वीडियो है, आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ मैंने ये कैसे किया। तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र के लिए लैक्मी पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम लिया है। इसको मैं अच्छे से अपने पूरे फेस और नेक पर अच्छे से लगा लूँगी, अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। इसके बाद मैंने लिया है प्राइमर, जो कि एस्टे को की ब्रांड का। ये एक बहुत ही अच्छा प्राइमर है। इस अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो ये आपके पोर्स को ब्लर कर देता है, जिससे मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और अब इसके बाद मैं ले रही हूँ फिटमी का फाउंडेशन। इसमें मेरा सेड है 128। इसको भी मैं अपने पूरे फेस और नेक पर अच्छे से लगा लूँगी। ये भी काफ़ी अच्छा प्राइमर है, आपकी स्किन के इम्प्योरिटीज़ को हाइड कर देता है सिर्फ एक ही कोट में। और अब इसको मैं अच्छे से एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा पानी में डिप करके और उसको ड्राई कर लिया है। ऐसा करने से आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना पूरा फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और इसके बाद मैंने लिया वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर। इसको मैं अपने अंडर आईज़ और अपने आईज़ के ऊपर अच्छे से लगा लूँगी, जिससे मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो छिप जाएँ। और इसको भी अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फ्रेंड्स, आपको ब्लेंडिंग में अच्छा खासा टाइम देना है। आपकी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी, आपका मेकअप उतना ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगा। अब मैं लूँगी कॉम्पैक्ट, जो कि है मेबलिन का। जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया वहाँ वहाँ पे मैं इसको अच्छे से लगा लूँगी, ताकि जो मेरे कंसीलर में ड्राई पैचेस ना आए वो अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद मैंने टेप अप्लाई कर लिया है और मैं आईज़ मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं येलो शेड लेने वाली हूँ, और मैंने यहाँ पे एक ही आई शेडो पैलेट का यूज़ किया है, जो कि है मोर्फी ब्रांड का। इसमें से मैं येलो कलर लेके अच्छे से अपनी दोनों आईज़ में अच्छे से लगा लूँगी। मैं इसे तब तक लगाऊँगी जब तक मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी ये कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। अब मैं सेम पैलेट में से ग्लिटरी गोल्डन आई शेडो लूँगी, और मैं इसको अच्छे से फिंगर की हेल्प से अपनी पूरी आईलिड पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। ये फॉइल आई शेडो है, ये ब्रश से अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता है, इसको आपको फिंगर से ही अप्लाई करना होता है। मैं इसको अच्छे से अपनी दोनों आईज़ पर, और अब मैं ब्रश की हेल्प से दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। इसके बाद मैं सेम पैलेट में से अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए ब्राउन शेड लूंगी, डार्क ब्राउन शेड। तो इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी, दोनों आईब्रोज को। अब मैं यहाँ पर एक पेन लाइनर लेने वाली हूँ, और मैं अपनी दोनों आईज़ पे लाइनर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर मस्कारा लिया है मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा। ये आपके लैशेस को अच्छे से कर्ल कर देता है। एक ही कोट में आपकी लेसेस काफ़ी अच्छी और लेंथी हो जाती हैं। उसके बाद मैंने क्लोसल का काजल लिया है, इसको भी मैं अच्छे से अपनी दोनों आईज़ में लगा लूँगी, और मैं अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ, और अपनी ब्रा बोन को भी मैं अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। इसके बाद जो एक्सेस गिरा है उसको मैं अपने फेस पे से अच्छे से ब्रश की हेल्प से निकाल दूंगी। सारा जो आई शेडो का एक्सेस मेरे फेस पर गिर गया था उसको मैं निकाल दूंगी एक ब्रश की हेल्प से।
और अब मैं यहाँ पर ब्लश लगाऊंगी। स्माइल करते हुए मैं अपने दोनों चीक्स पर ब्लश अप्लाई कर लूँगी। मैंने यहाँ पर हाइलाइटर का यूज़ नहीं किया है, अगर आप चाहते हो तो आप हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे हाइलाइटर नहीं लगाया और मैं यहाँ पर हुड्डा ब्यूटी की लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो गाइज मैंने ज्वेलरी पहन ली है और बस ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।